जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों, लेटरल एंट्री यानी के ग्रुप को, जिसे कि लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में लेटरल एंट्री से बहुत से छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं, पर उन्हें उसके बारे में सही से ठीक ठीक जानकारी नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेटरल एंट्री यानी के ग्रुप, जिसके अंतर्गत आपको पॉलिटेक्निक के सीधे दूसरे साल में यानी द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाता है, तो क्या क्या इसमें परेशानियाँ होती हैं और क्या क्या इसका एडवांटेज होता है, क्या क्या इसका फ़ायदा होता है, चलिए आपको हम इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम और यहाँ पे अवधि दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए, जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट होते हैं, इनको ग्रुप होता है आपका एक के ग्रुप, इस के ग्रुप के अंतर्गत उन्हें एक फॉर्म भरना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आ चुका है, कैसे भरना है ये इसकी वीडियो पूरा बना दी गई है, चैनल पर विजिट करें और उस वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों, के ग्रुप से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपकी कक्षा 12वीं में आपने मैथ या फिर बायो जो कोई भी सब्जेक्ट लिया हुआ हो, तो आपका 12वीं जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अगर आपने 12वीं नहीं किया है तो आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ये दो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तभी आप के ग्रुप के लिए आवेदन कर पाएंगे। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत बात करें तो ये 2 साल का कोर्स होता है, ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं हम। इसमें आपका पहला जो ग्रुप यहाँ पर दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप सिविल ब्रांच से डिप्लोमा करना चाहते हैं और अगर आप के ग्रुप से फॉर्म भरते हैं तो आपको K1 ग्रुप के लिए अप्लाई करना होगा। इस ग्रुप में जब आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो हाई स्कूल के साथ आपका ITI जो है कम्प्लीट होना चाहिए, और या फिर अगर आपका ITI नहीं है तो इंटरमीडिएट के साथ आपका कोई भी सब्जेक्ट यानी साइंस या फिर मैथ आपका होना चाहिए। ओके, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप K1 ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप K2 ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए K3 ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल ग्रुप के लिए K4 ग्रुप के लिए आप अप्लाई करेंगे। ओके, इसके साथ साथ आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए आप K5 ग्रुप के लिए आवेदन करेंगे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए आप K6 ग्रुप के लिए, और यहाँ पे आता है आपका फैशन डिजाइनिंग, एपरल डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए आप K7 के लिए अप्लाई करेंगे। लास्ट में आता है आपका ग्रुप K8, इसके लिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं। अब आपको बता दें कि जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट होते हैं यानी जो द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते हैं, इन्हें फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो भी देना होता है। लेटरल एंट्री के द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले ITI के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को उत्तीर्ण करना होता है। फर्स्ट ईयर के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसको भी एग्ज़ाम आपको देना होता है। फर्स्ट ईयर में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ करके आपको बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में सभी के एग्ज़ाम जो है वो देने होते हैं। अब तो आपका डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, तो अगर आप द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते हैं तो द्वितीय वर्ष यानी द्वितीय वर्ष में आपका 2 सेमेस्टर हुआ, तो द्वितीय वर्ष का पहला सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर दोनों का एग्ज़ाम एक साथ देना होता है। और जब आप सेकेंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं तो सेकेंड ईयर का दूसरा सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर का दूसरा सेमेस्टर एक साथ एग्ज़ाम आपका देना होता है। यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थ्री सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो द्वितीय वर्ष में आपका प्रवेश होता है, दूसरे साल में आपका प्रवेश होता है, तो आपको इस दूसरे साल में आपका प्रवेश होता है तो आपका उस समय थर्ड सेमेस्टर होता है, तो थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको एक साथ देना होता है, वही सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक साथ आपको देना होता है। दोस्तों, अब हम आपको के ग्रुप का यानी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस थोड़ा बता देते हैं, तो सिलेबस जान जाइए। एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप लेटरल एंट्री के ग्रुप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि आपका ITI या फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर आप मान लीजिए सिविल ब्रांच से ही डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए ही मैं बता दे रहा हूँ। इस कंडीशन में अगर आप ITI पे फॉर्म भरते हैं तो ITI में आपने जो भी सब्जेक्ट से ITI करा है ना, इलेक्ट्रीशियन से करा है, फीटर से करा है, तो जो भी आपका ट्रेड रहा है ना, उस ट्रेड का 60 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से थे तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 60% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप फीटर के हैं तो फीटर का 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो शेष 40 क्वेश्चन बचता है ना, ये 40 क्वेश्चन जो है वो आपके हाई स्कूल कक्षा का, ITI के लिए मैं बता रहा हूँ, हाई स्कूल कक्षा का आपका 40 क्वेश्चन जो होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों को मिला करके 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, तो उस कंडीशन में आपका जो 60% क्वेश्चन होगा वो होगा आपका
इंटरमीडिएट का 60 जो क्वेश्चन होगा वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसका होगा, और जो लास्ट का 40 क्वेश्चन बचता है, जो 40 क्वेश्चन बचता है ना, वो आपका हाई स्कूल स्तर का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा आपका सिलेबस, और ग्रुप के लिए यानी लेटर एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों इसमें आपको सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश तो मिल जाता है, पर आपको एग्ज़ाम दोनों का साथ में देना होता है, तो थोड़ा इसमें आपका लोड होता है। एग्ज़ाम देते समय आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है दूसरे साल, और दूसरे साल के तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर में। इसके बाद जब आप थर्ड ईयर में प्रवेश करते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम दे करके पास करते रहेंगे और इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रवेश लेते हैं सेकेंड ईयर में तो आपको पहले साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और इस कंडीशन में आपके जो बैक लगने के चांसेस भी होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इसका कारण यही होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ना होता है, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे ढंग से तो बैक लगने का कोई चांस नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड होता है, और इसके अलावा लेटर एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। दो साल में ही आपको डिग्री मिल जाएगी, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है लेटर एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा बस प्रॉब्लम यही होता है कि आपको एग्ज़ाम साथ में देना होता है, इसलिए पहले साल आप अगर कॉलेज में जाते हैं तो पहले साल ही आपको बहुत सारे एग्ज़ाम, करीब 10 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम एक साथ देने होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज करते हैं तो 6 सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होंगे, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल के भी सब्जेक्ट होंगे, इसके अलावा फर्स्ट ईयर के भी आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। यानी अगर आप पहले साल जाते हैं तो आपको कुल 10 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता, मेरे समय तो ऐसा कोई मुझे लगा नहीं, प्रॉब्लम हुआ नहीं, पर बहुत ही नॉर्मल सा होता है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे से इंटरमीडिएट आपने अगर पढ़ा होगा, या फिर अगर आप हाल ही में आईटीआई क्लियर किए हुए हैं, तो आपके लिए कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाई स्कूल करके आईटीआई बेस पे जाते हैं तो आपको जो ट्वेल्थ लेवल का मैथ है ना, उस मैथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो बाकी सब बिल्कुल आसान होता है। तो उम्मीद है आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।